आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की वर्कशीट जो कि है मैथ की, और हमारी मैथ की वर्कशीट का नंबर है 12 और आज हमारी डेट है 5th नवम्बर। तो चलो आज 5 नवम्बर को क्या सीखना है देखते हैं। आपको याद है हम रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बातें अब तक सीख चुके हैं, और आज हम देखते हैं रैखिक रूप में कैसे बदलें। मतलब एक तो हमने देखा था पिछली बार कि हमें एक रैखिक समीकरण दी होती थी, रैखिक मतलब होता है सीधा एक रेखा में, तो ये एक रेखा में है, और उसे हमने देखा था हल करके, और उसके बाद उसे हल करके हमने चर के मान निकाले थे। तो हमने उसमें एक्स के वाई के इस तरह से मान निकाले थे उसे हल करके। अब हमें क्या करना है, अगर संख्या जो भी हमें संख्या दी गई है, समीकरण दी गई है, वो समीकरण अगर हमारी ऐसे हो जैसे ये भिन्न के रूप में दी गई है, तो हम उसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इस तरह की समीकरण होती है रैखिक और इस तरह की समीकरण होती है अरैखिक। तो क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए इसे हल, और इसे हल करने का तरीका हम आज सीखते हैं। देखिए, हमने ये लिखी एक समीकरण, इस तरफ ये और इस तरफ 3/4, 3/4 है, जो नीचे है 4 उसे ऊपर वाले से गुणा कर दें, और जो इधर नीचे है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 3 को जो ऊपर है उसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, और जो नीचे है 4 उसको ऊपर वाले से गुणा करना है यानी कि x जमा 7 से। 3 को x जमा 2 से, 4 को x जमा 7 से गुणा करना है। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर वज्र गुणा, क्योंकि ऊपर नीचे गुणा करते हैं, नीचे की ऊपर वाले से और ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कर देते हैं, 4 को x जमा 7 से, 3 को x जमा 2 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा 4x जमा 28। ये से हमने हल कर लिया, और उसके बाद जब हमने इसे हल किया तो ये हमारा आ गया 3x जमा 6। तो x वालों को फिर हम एक तरफ कर लेंगे, और बिना x वालों को हमने एक तरफ कर लिया, तो ऐसा करने पर हमें मिला x = 22। तो x का मान कितना आ गया, 22। तो देखो, हमने इस अरैखिक समीकरण को हल करना सीख लिया है। अब हमारा उत्तर सही आया है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो इसका भी एक तरीका होता है। हमने x का मान निकाला था, तो अगर हम x की जगह पर आंसर लिख दें तो वही आना चाहिए जो बराबर के दूसरी तरफ था, यानी कि 3/4। तो करके देखते हैं, हमारे पास संख्या थी x+7 और बट्टे में x = 2, तो x की जगह पे -22 = 7, फिर x की जगह पे -22 = 2। अगर अब हम इसे हल करेंगे तो 22 में से जब 7 गए तो आया 15, और 22 में से जब 2 गए तो आया 20, और दोनों के साथ किसका निशान है, घटा का निशान है, तो घटा घटा के निशान आपस में ख़त्म हो गए। और 15 और 20 को अगर हम 5 के पहाड़े से काट कर छोटा कर लें तो 5 × 15 = 20। तो देखिए, बराबर के दूसरी तरफ 3/4 था और इसे हल करने पर भी 3/4 आ गया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और सवाल दिया गया है हमें, जिसमें हमें कहा गया है कि एक संख्या है जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से 1 अधिक है। तो संख्या तो हमें पता नहीं, तो उसका 7वां और 8वां भाग कैसे पता होगा, तो हम संख्या को मान लेते हैं। तो हमने संख्या मान ली x का 7वां भाग, मतलब x/7, और संख्या का 8वां मतलब x/8। अब सीधी सी बात है कि 7वां भाग 8वें भाग से 1 अधिक है, तो अगर हम 7वें भाग में से 8वें भाग को घटा दें तो 1 आएगा। तो ये हमने इसको घटाया और ऐसे एक समीकरण बन गई। लेकिन ये समीकरण हमारी अरैखिक है, इसे रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे,
तो अभी हमने सीखा था, वो तो एक तरीका था, अभी हमें दूसरा एक तरीका सीख रहे हैं कि यहाँ पर 7 और 8 अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्तक ले लें, तो आएगा 56, और 56 से 7 7 8 56, 8 की गुणा x से की तो 8x, और बिल्कुल इसी तरीके से इस तरफ करेंगे तो ये आ गया 7x। अब इसको फिर हम हल कर लेते हैं, 8x में से 7x गए तो बराबर आया x। ये वीडियो में सारी आवाजें आएंगी, इसमें सब पिन्नी विन्नी की, अंदर बाहर की सब आवाजें आती हैं। दिमाग खराब खा मेरा, क्या ढूंढ रहे हो? दरवाजे खिड़की सबकी आवाजें आती हैं। तो ये आ गया हमारे पास x बट्टे में 56। अब दूसरी तरफ तो हमारे पास एक है ही, और हमने ये सिर्फ इतना हल किया, इसको हल करके हमारे पास x56 आ गया, x बट्टे में 56, दूसरी तरफ हमारा एक था। तो अब हम इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, 56 यहाँ पर किस में है, भाग में है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो हमारा x रह गया यहाँ पर, और वहाँ पर 56 हो गया x से गुणा, और x का मान कितना आ गया, 56 आ गया। तो ये भी हमने सीख लिया। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब हमने क्या क्या सीखा है। तो हमें एक अरैखिक समीकरण दी गई है जिसे हमें हल करना है, तो इसे रैखिक समीकरण में हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी वज्र गुणा कर लेंगे, 7 की गुणा 2 जमा 2x जमा 3 से कर लेंगे, 3 की गुणा 4x घटा 5 से कर लेंगे। इसको गुणा करने पर हम जो हमारे पास आएगा वो आया 7 दूनी 14x जमा में 7 तिया 21। अब 3 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12x घटा में 15। अब हम x वालों को एक तरफ कर लें तो 14x में से 12x घटा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -2x। और अगर हम बिना x वालों को एक तरफ कर लें तो ये 21 घटा 15 के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा -21। तो -21 और -15 दोनों घटा घटा के हैं तो जमा हो जाएंगे, निशान आएगा घटा का लेकिन हो जाएंगे क्या, जमा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -33। तो अब हमारे पास एक तरफ है 2x और दूसरी तरफ है हमारे पास 33। तो ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण आई है, इस रैखिक समीकरण में से यहाँ पर 2 हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया और ये हो गया x, और यहाँ पर आंसर हमारा आ गया -33/2। तो चलो अब करते हैं इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग भी। हमें एक अरैखिक समीकरण दी गई है जिसे हमें हल करना है, 1/2 को हम फिर पहले की तरह वज्र गुणा करेंगे, 2 की गुणा हमने की 5x घटा 4 से, 1 की गुणा की हमने 3x जमा 7 से। हमारे पास जो समीकरण आई रैखिक समीकरण वो है 10x घटा में 8 बराबर 3x जमा में 7। हमने 10x में से 3x को एक तरफ कर लिया यानी कि घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 7x। और दूसरी तरफ हम अगर 8 को जमा 7 की तरफ लेके जाएंगे तो हम देखते हैं कि, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया 7x। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरी तरफ क्या आया, दूसरी तरफ हमारे पास आया 15। 15 कैसे आया, हमें दिया गया था हमारे पास 7x था गुणा करने के बाद। अगर हम उस 7x को, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस 7x को अगर हम 8, दूसरी तरफ हमें 8 दिया गया है, उस 8 को हमें क्या करना है, उस 8 को हमें दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो वो घटा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो जमा में हो जाएगा। तो 7 जमा में 8 यानी कि हमारे पास आ गया 15।
x को यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पे ये 7 गुणा में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 15 बट्टे में 7 यानी कि भाग में आ गया। तो x का कितना मान हमने निकाला, 15 बट्टे में 7। तो चलो अब अगला सवाल कर लेते हैं। ये हमें एक अरेखिक समीकरण दी गई है, इसको हम फिर पहले की तरह वज्र गुणा करेंगे, और वज्र गुणा करके ये हमारे पास आ गया 8y, और दूसरी तरफ जब हमने इसको गुणा किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 7y जमा में 21। तो इसको फिर हम हल करेंगे, y वाली संख्याएं एक तरफ आएंगी तो ये 8y था, इधर से 7y इधर आएगा, तो हमारे पास घटा होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 22 सिर्फ y बचेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, दूसरी तरफ हमारे पास 21 था, और 21 का 21 बच गया क्योंकि इसके साथ और कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया हल। फिर अगली समीकरण हमें दी गई है अरेखिक समीकरण, उसमें हमें फिर हमसे दोबारा से वज्र गुणा करेंगे। तो सिर्फ 5 दिया गया है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, उस भिन्न को अगर हम भिन्न में बनाना चाहते हैं तो हम उसके बट्टे में 1 लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 की गुणा हम किसी से भी करें तो वही का वही रहता है। तो हमने 1 की गुणा जेड जमा 4 से की तो जेड जमा 4 ही रहा, दूसरी तरफ जेड की गुणा हमने 5 से की तो ये बन गया 5z। अब जेड वालों को अगर हम एक तरफ कर लें तो हमारे पास संख्या आएगी ये कि 4 दूसरी, अगर 4 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो गया घटा 4, 5z को हम इस तरफ लेकर आते हैं जेड में से घटा करते हैं तो हमारे पास आ गया 4z। अब जेड को यहीं पर रहने देते हैं और 4 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो घटा 4 बट्टे में घटा 4, और घटा के निशान से घटा का निशान कट गया, 4 एकम 4, और आंसर आ गया 1। तो ये है आपका आंसर। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में इन्होंने हमें कहा है कि 2/3 का मूल संख्या से 30 कम है तो संख्या ज्ञात करनी है, मतलब एक संख्या है जिसका 2/3 भाग उस संख्या से 30 कम है। तो अब संख्या हमें पता नहीं है तो संख्या मान लेते हैं, हमने संख्या मान ली x, मान लिया संख्या है हमारी x, तो x का 2/3 भाग, x का कितना 2/3 भाग, यानी कि x को गुणा कर देते हैं 2/3 से, वो बराबर किसके है, x घटा 30 के। तो ये हमने x घटा 30 और 2x गुणा में x, ये संख्या हमने बना ली, क्या बना ली हमने, ये समीकरण बना ली। लेकिन ये समीकरण अरेखिक समीकरण है, इसे हम रेखिक समीकरण बनाते हैं। तो ये 2/3 है, तो अगर हमें 3 है तो हम क्या करेंगे, हम इसे दोनों तरफ 3 से गुणा कर सकते हैं, तो हमने 3 से दोनों तरफ गुणा किया तो ये 3 से ये 3 कट गया और ये आ जाएगा हमारा 3x। तो अब ये आ गया हमारा 3x इस तरफ। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये हमारा 2x अलग अलग नहीं है, एक ही जगह पे है, गुणा में है क्योंकि, इसलिए ये इधर आ गया हमारा बचकर 2x, और इधर आ गया हमारा 3x घटा में 3x घटा में 90। तो 2x और 3x, x वाली संख्याएं हैं, इनको एक तरफ कर लिया हमने, इनको घटाया तो हमारे पास आया 1x, बच गया हमारा 90। 90 भी हमारा घटा का है तो घटा के निशान से घटा का निशान हो गया गायब और हमारे पास आंसर आ गया x बराबर 90। तो ये भी हो गया हमारा दूसरा सवाल। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़े, अब हमें तीसरा सवाल दिया गया है, और तीसरे सवाल में हमें करना क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना है। करना ये है कि एक संख्या में से उसका छठे भाग को घटाने पर 25 आता है। तो अगर संख्या x है तो उसका छठा भाग कितना होगा, x बट्टे में 6, उसमें से घटा कर दो 25, तो क्या आएगा, अब ये हमें खुद निकाल कर बताना है। तो चलो जल्दी से निकाल कर बता देते हैं। तो हमने संख्या मान ली x, x का छठा भाग हो गया x बट्टे में 6, और x बट्टे 6 में से इन्होंने बोला क्या था, याद ही होगा आपको, इन्होंने कहा था अगर x उस संख्या में से
संख्या थी x, संख्या में से अगर छठा भाग घटा दें यानी कि x बट्टे 6 घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। तो अब इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं, हम दोनों तरफ इसकी 6 से गुणा कर लेते हैं तो इस तरफ तो आ गया हमारे पास 150, दूसरी तरफ 6 की गुणा x से हो गई तो ये आ गया 6x, 6 की गुणा x बट्टे 6 से हो गई तो 6 से 6 कट गया और बच गया x, तो ये हमारे पास आ गया 6x घटा में x और ये आ गया 150। तो घटा किया 6x में से x को तो आया 5x बराबर आ गया 150 यानी कि 150। अब x को यहीं छोड़ेंगे, 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो भाग में आएगा, भाग कर दी तो हमारे पास आ गया 30 और ये निकल गया हमारा उत्तर। तो ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन सवालों को करने में इस वीडियो की मदद मिली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, वो है लाल रंग का, उसे क्लिक कर देंगे तो रंग बदल जाएगा, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी मोटी सी वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और थैंक यू यानी कि धन्यवाद।